Relax. मूवी स्टार्ट होती है और हमें रोबिन नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क की एक मैगजीन कंपनी में काम किया करती थी। अब इसके बाद ये अपनी कंपनी में पहुंच जाती है जहां हमें कंपनी की ओनर मार्जरी को दिखाया जाता है और ये अपनी कंपनी में हो रहे काम से खुश नहीं होती और इसलिए वो इस टॉपिक पर रोबिन से भी डिस्कस करती है। अब यहाँ पर रोबिन और मार्जरी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रोबिन को एक फूलों का गुलदस्ता मिलता है। ये गुलदस्ता रोबिन के बॉयफ्रेंड फ्रैंक मार्टिन ने भेजा होता है और साथ ही वो उसे अपने साथ रात के डिनर के लिए इन्वाइट भी करता है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रोबिन और मार्टिन को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर मार्टिन रोबिन को एक सरप्राइज देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें 6 दिन और 7 रातों के लिए एक आइलैंड पर लेकर जाने वाला हूँ। अब ये बात सुनकर रोबिन काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ ही वो काफी खुश भी होती है। अब इसके अगले दिन मार्टिन रोबिन को अपने साथ लेकर एक प्राइवेट एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है जहां पर मार्टिन उस आइलैंड तक जाने के लिए एक प्लेन बुक करने के लिए जाता है जो कि उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। अब इसके बाद रोबिन पायलट के पास पहुंचती है और उसका नाम क्वीन हैरिस होता है। अब वो यहां पर रोबिन को बताता है कि हाँ मैं चलने के लिए तो पूरी तरह से तैयार हूं लेकिन मुझे पहले अपने प्लेन को पूरी तरह से सवारियों से भरना होगा और इसके बाद हम यहां से निकलेंगे। अब यहां पर रोबिन प्लेन की हालत को देखकर कहती है कि क्या ये हमें उस आइलैंड तक ले जा पाएगा क्योंकि ये प्लेन तो एकदम कबाड़ है। जहां पर पायलट क्वीन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो प्लेन एकदम ठीक है। अब यहां पर रोबिन का बॉयफ्रेंड फ्रैंक भी उससे कहता है कि चिंता मत करो पहुंच जाएंगे हम अपनी जगह पर और इसके बाद ये लोग उस प्लेन में सवार हो जाते हैं। अब ये लोग अपने प्लेन से उड़ान भरने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर एक खूबसूरत सी महिला जिसका नाम एंजेलिका होता है वो यहाँ पर पहुंच जाती है और अब इसके बाद ये लोग अपनी उड़ान भर देते हैं और अब ये लोग उस आइलैंड के एक रिजोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंक रोबिन से कहता है कि ये हमारी 3री सालगिरह है एक दूसरे को जानने की। अब यहाँ पर फ्रैंक रोबिन को प्रपोज करता है और रोबिन इसके लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ पर फ्रैंक रोबिन से 1 सेकंड का कहकर उसके लिए बियर लेने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद क्वीन यहाँ पर पहुंचता है और वो यहाँ आकर रोबिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब क्वीन यहाँ पर इस आइलैंड पर आने वाले टूरिस्ट का मजाक उड़ाता है। अब इसके बाद यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और इसके बाद रोबिन और फ्रैंक यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके अगले दिन रोबिन को मार्जरी की कॉल आती है। अब यहाँ पर मार्जरी रोबिन से कहती है कि तुम तुरंत अपनी छुट्टी कैंसिल करो और तुम्हें काम के सिलसिले में एक दूसरी जगह पर जाना होगा। अब यहाँ पर रोबिन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर रोबिन क्वीन के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे एक आइलैंड पर लेकर चल सकते हो क्या, लेकिन यहाँ पर क्वीन उसे ले जाने के लिए मना कर देता है। अब इसके बाद रोबिन उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे दूंगी और अब ये बात सुनकर क्वीन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर रोबिन का बॉयफ्रेंड मार्टिन उससे काफी ज्यादा नाराज होता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें रात ही प्रपोज किया और तुम आज मुझे छोड़कर जा रही हो, जिस पर रोबिन उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद रोबिन और क्वीन अपनी अगली जर्नी के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं, जिस पर रोबिन क्वीन से फिर से कहती है कि क्या तुम्हारा ये कबाड़ हमें आगे ले जा पाएगा या नहीं, जिस पर क्वीन उससे कहता है कि ठीक है तुम मेरे प्लेन से वहां पर मत जाओ लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है वहां पर पहुंचने का। अब इसके बाद ये दोनों यहां से उड़ान भरते हैं। अब रास्ते में रोबिन क्वीन को अपनी मैगजीन दिखाती है और उसे कहती है कि ये सब मैंने लिखी है, जिस पर क्वीन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ ये काफी अच्छी है। अब जैसे ही ये लोग अपने प्लेन से आगे बढ़ते हैं कि तभी मौसम खराब होने लगता है। अब दूसरी तरफ हमें रोबिन के बॉयफ्रेंड फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि रात में उसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है और वो यहाँ पर एंजेलिका को डांस करते हुए देखता है और उसे पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ क्वीन मौसम का हाल जानने के लिए रेडियो पर अपडेट लेता है लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर क्वीन खराब मौसम को देखकर अपने प्लेन को वापस उस रिसोर्ट ले जाने का फैसला करता है। अब यहाँ पर रोबिन इस सिचुएशन में काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी दवाइयां लेती है। अब यहाँ पर क्वीन अपने प्लेन को वापस घुमाने लगता है लेकिन तभी एक बिजली का झटका उनके प्लेन पर लगता है। अब यहाँ पर फिर से क्वीन रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था और अब दूसरी तरफ रोबिन ने दवाई ज्यादा ले ली थी जिसके चलते उसे होश भी नहीं था और ये देखकर क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर क्वीन को पास में ही एक आइलैंड नजर आता है और वो यहाँ पर अपने प्लेन को उतारने की कोशिश करता है और ऐसा करते वक्त इन लोगों का प्लेन उस समुद्र के किनारे पर क्रैश हो जाता है लेकिन किस्मत से ये दोनों लोग बच जाते हैं। अब इसके अगले दिन हमें रोबिन को दिखाया जाता है जिसकी यहाँ पर आंख खुलती है और वो क्वीन से पूछती है कि हम कहाँ पर हैं और वो यहाँ पर प्लेन को क्रैश हुआ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। अब यहाँ पर रोबिन क्वीन से कहती है कि क्या तुम इस प्लेन को ठीक कर सकते हो, जिस पर क्वीन उससे कहता है कि प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता और तभी यहाँ पर रोबिन को हेल्प बुलाने के लिए अपने फोन का ध्यान आता है। अब यहाँ पर रोबिन कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर क्वीन प्लेन में से कुछ जरूरी सामान लाकर बाहर रख देता है और इसके बाद वो रोबिन के पास आकर बैठता है और उसे बताता है कि कल रात आखिर उनके साथ ये सब कैसे हुआ। अब यहाँ पर क्वीन उससे कहता है कि अगर हमें यहाँ पर किसी की हेल्प ना आ सकी तो हम यहाँ पर काफी दिनों तक भी फंसे रह सकते हैं। अब ये बात सुनकर रोबिन उससे अपने दिए हुए पैसे वापस मांगती है जो कि उसने उसे ट्रिप के लिए दिए थे। अब इसके बाद क्वीन रोबिन के प्लेन में जाती है और उसे यहाँ पर एक लाइफ बोट मिलती है और वो सोचती है कि मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ लेकिन क्वीन उससे कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा है लेकिन तुम सिर्फ एक लाइफ बोट के सहारे इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाओगी। अब दूसरी तरफ रिजोर्ट में फ्रैंक को रोबिन की बॉस की कॉल आती है और वो इससे यहाँ पर पूछती है कि आखिर रोबिन कहाँ पर है। अब इसके बाद यहाँ पर फ्रैंक और एंजेलिका को भी उनकी चिंता होने लगती है कि आखिर वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे क्यों नहीं। अब वो इस रिसोर्ट से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें यहाँ से कुछ पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ आइलैंड पर जब ये दोनों कुछ पानी लेने के लिए जा रहे होते हैं
तो क्वीन और रोबिन एक दूसरे से वो बातें बताती हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। दूसरी तरफ फ्रैंक और एंजेलिका उनकी जानकारी के लिए एक रेस्क्यू पायलट टॉम मार्लो और उसके साथी पायलट रिकी से मिलते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हमें क्वीन और रोबिन को दिखाया जाता है जो कि उस आइलैंड के जंगलों से गुजरते हुए एक झरने के पास पहुंच जाते हैं और तभी यहाँ पर रोबिन को एक जंगली सुअर दिखाई देता है जिससे वो डर कर पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर रोबिन को जल्दी पता चलता है कि इस पानी के अंदर कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ पर क्वीन को आवाज लगाती है और उससे कहती है कि शायद एक सांप मेरे पेट पर चढ़ गया है और इसलिए क्वीन सांप को पकड़ने के लिए पानी के अंदर पहुंचता है और उसे रोबिन के अंदर से निकाल कर किनारे पर फेंक देता है। अब यहाँ पर कुछ समय बाद क्वीन देखती है कि रोबिन पत्ते काट रहा है और वो यहाँ पर ऐसा मोर का शिकार करने के लिए कर रहा होता है ताकि ये लोग उसे मारकर यहाँ पर अपना कुछ पेट भर सके। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन ने मोरों का शिकार कर लिया था और अब वो उन्हें आग पर पकाकर खाने लायक बना रहा था। अब यहाँ पर क्वीन रोबिन को अपने पास्ट की कुछ बातें बताना शुरू करता है। वो यहाँ पर रोबिन से कहता है कि वो उस रिजोर्ट आइलैंड पर रहने के लिए आया था, जिस पर रोबिन उससे कहती है कि क्या तुम्हारी औकात है उस आइलैंड पर रहने की। लेकिन जल्द ही रोबिन उससे इस बात के लिए माफी मांगती है। अब ये लोग यहाँ पर अपना खाना भी खा चुके थे और इसके बाद ये लोग यहाँ पर सो जाते हैं। अब अगले दिन रोबिन की आंख खुलती है और वो अपने ऊपर एक प्लेन की आवाज को सुनती है। अब यहाँ पर रोबिन क्वीन को जगाने की कोशिश करती है लेकिन रोबिन नहीं जागता और इसके बाद रोबिन उसकी फ्लेयर गन ले लेती है। अब यहाँ पर रोबिन उसमें आग लगाने की कोशिश करती है लेकिन क्वीन नींद में होता है इसलिए वो रोबिन को धक्का दे देता है जिसके चलते वो फ्लेयर गन एक पेड़ में जाकर लगती है। अब यहाँ पर क्वीन जाग जाता है और वो रोबिन पर गुस्सा करता है कि तुमने आखिर उसका इस्तेमाल क्यों कर दिया। और यहाँ पर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अब वो यहाँ पर इस गलती के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। दूसरी तरफ एंजेलिका और फ्रैंक भी रोबिन को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे होते हैं ताकि इन्हें वहां पर चढ़कर कोई हेल्प मिल सके। अब ये लोग उस पहाड़ी पर चढ़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके नीचे की जमीन टूट जाती है और इससे ये लोग एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं। अब इसके बाद क्वीन रोबिन को यहाँ से बाहर निकालता है और इसके बाद ये लोग फिर से उस पहाड़ पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद ये लोग उस पहाड़ की पीक पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि दूसरी तरफ भी हेल्प के लिए कोई चांस नहीं है क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर क्वीन रोबिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। वो उससे कहता है कि तुम अपनी हिम्मत मत हारो क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अचानक से रोबिन को कुछ दूरी पर एक बोट दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्वीन रोबिन से कहता है कि हमें सुबह तक उस बोट तक पहुंचना ही होगा और इसके बाद ये लोग उस पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। अब इसके बाद रात में ही दोनों अपनी लाइफ बोट में बैठ जाते हैं और उस नाव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद सुबह होती है और रोबिन क्वीन से उसके और एंजेलिका के रिश्ते के बारे में पता करती है। वो यहाँ पर उसे अपनी पहली पत्नी के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि उसने मुझे मेरे ही सबसे अच्छे दोस्त के साथ अफेयर करके मुझे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पर रोबिन को एक और नाव दिखाई देती है। अब इसके बाद रोबिन उस नाव को देखता है और वो पाता है कि ये लोग कोई आम इंसान नहीं है बल्कि समुद्री लुटेरे हैं। अब यहाँ पर क्वीन कहता है कि हमने गलत जहाज देख लिया और इतने में ही उन डाकुओं के जहाज में से एक रोबिन और क्वीन को भी देख लेता है और अब इसके बाद वो रोबिन और क्वीन को मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। अब इसके बाद रोबिन और क्वीन भी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों फिर से उस किनारे तक पहुंच जाते हैं लेकिन अब दूसरी तरफ वो समुद्री लुटेरे इनके पीछे पड़ चुके थे। अब ये दोनों को समुद्री लुटेरों पर अटैक कर देते हैं और ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन आखिर में इन्हें पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर रोबिन समुद्री लुटेरों से झूठ बोलती है, वो कहती है कि उसके पास सोना है। अब जैसे ये लुटेरे उन दोनों को यहाँ से ले जाने लगते हैं कि तभी ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग उन डाकुओं से भाग कर काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं और तभी इनके सामने एक खाई आ जाती है जहाँ से रोबिन कूदने से डरती है। अब इसके बाद यहाँ पर क्वीन उसे किस करता है और इसके बाद उसे पानी में धक्का दे देता है। अब इसके बाद ये लोग इस आइलैंड की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये दोनों अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं और इसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्लेन पड़ा होता है। दूसरी तरफ फ्रैंक और एंजेलिका अपने रिसोर्ट वापस आ जाते हैं और यहाँ पर एंजेलिका फ्रैंक को अपने साथ रात भर रहने के लिए कहती है लेकिन यहाँ पर फ्रैंक उसके साथ रात गुजारने के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ हम आइलैंड पर क्वीन और रोबिन को दिखाया जाता है। यहाँ पर क्वीन रोबिन से कहता है कि शायद हम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। रोबिन उससे कहती है कि मैं इस आइलैंड पर क्रैश होने के लिए तुम पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती और अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर सो जाते हैं। अब अगली सुबह क्वीन द्वितीय विश्व युद्ध के उस विमान को उस पेड़ से नीचे उतारता है। क्वीन रोबिन से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ रिजोर्ट में एंजेलिका को बताया जाता है कि हम रेस्क्यू के लिए फिर से जाने वाले हैं और अब इसके बाद एंजेलिका फ्रैंक को भी जगाती है और अब इसके बाद हमें पता चलता है कि फ्रैंक रात भर एंजेलिका के रूम में ही था। अब दूसरी तरफ क्वीन और एंजेलिका उस प्लेन के पुराने टूटे हुए हिस्से को लेकर नदी से होते हुए अपने प्लेन के पास जाने लगते हैं और साथ ही यहाँ पर क्वीन रोबिन को अपने अतीत के बारे में भी बता रहा होता है। अब साथ ही ये लोग रास्ते में मजाक भी करते हैं और हंसते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि एंजेलिका के साथ खाना खा रहा था। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं रात तुम्हारे साथ सो गया और इसलिए साथ ही वो एंजेलिका से माफी भी मांग रहा होता है। अब इतने में ही इन लोगों के पास उस रिजोर्ट का मैनेजर आता है और वो यहाँ पर फ्रैंक से कहता है कि रोबिन और क्वीन को ढूंढने का रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अब दूसरी तरफ क्वीन और रोबिन उस आइलैंड पर अपने प्लेन के टूटे हुए हिस्से को फिर से बनाने के लिए
यहाँ पर से जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब ये लोग यहाँ पर तेजी से अपना काम करते हैं। अब ये लोग यहाँ से रस्सी से लकड़ी के टुकड़ों को उस विमान में जोड़ते हैं ताकि इस प्लेन को स्टेबल रखा जा सके। अब ये दोनों यहाँ पर मिलकर काफी ज्यादा लगन से काम करते हैं और जल्द ही ये लोग इस प्लेन को पूरी तरह से तैयार कर देते हैं। अब इसके बाद ये लोग उस द्वितीय विश्व युद्ध वाले विमान का नीचे का हिस्सा अपने प्लेन में जोड़ते हैं और इसे यहाँ पर ये रस्सी और बांस के सहारे से बांध देते हैं। अब इन लोगों को काफी समय तक काफी मेहनत करने के बाद ये लोग प्लेन को आखिरकार ऐसा बना लेते हैं जिससे कि इनका काम चल सके। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से वही समुद्री लुटेरे पहुंच जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ये दोनों जल्दी से उन समुद्री लुटेरों की बमबारी से भागने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हुई बमबारी के चलते क्वीन यहाँ पर घायल हो जाता है और रोबिन उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आती है। अब यहाँ पर क्वीन अपने घायल हाथ से ही अपने आप को प्लेन के अंदर बैठा लेता है और इसके बाद ही यहाँ पर प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। अब इनका विमान पानी के ऊपर से उड़ान भरना शुरू कर देता है और पीछे से वो समुद्री लुटेरे इन पर फायरिंग करते हैं। अब यहाँ पर क्वीन रोबिन से कहता है कि तुम इस विमान में थोड़ी हवा भरने में मेरी हेल्प करो और इसके बाद रोबिन इसकी हेल्प करती है और इसके बाद ये लोग उन समुद्री लुटेरों से बच जाते हैं और वो समुद्री लुटेरे इनके प्लेन पर निशाना लगाने के चक्कर में अपने जहाज पर ही कुछ बारूद गिरा लेते हैं जिसके चलते इनका पूरा जहाज ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि क्वीन का काफी सारा खून बह चुका था और इसलिए वो रोबिन को ही प्लेन उड़ाने के बारे में बताने लगता है ताकि अगर वो खुद बेहोश हो जाए तो रोबिन इस प्लेन को संभाल ले। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में लोगों को लग रहा होता है कि शायद अब क्वीन और रोबिन मर चुके हैं और इसलिए ये लोग यहाँ पर उनका शोक मना रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग उनकी शोक सभा में शामिल होते हैं उसमें डेविड और एंजेलिका भी खड़े होते हैं। अब यहाँ पर रिजॉर्ट का ओनर स्पीच देना शुरू कर देता है। अब दूसरी तरफ हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका था और अब रोबिन अकेले ही उस प्लेन को उड़ा रही थी। दूसरी तरफ एंजेलिका फ्रैंक को दिलासा देती है क्योंकि उसे रोबिन के मौत का काफी ज्यादा दुख था। अब इसके बाद यहाँ पर एंजेलिका अचानक से देखती है कि क्वीन और रोबिन का प्लेन वापस आ रहा है। अब इन्हें यहाँ पर वापस आता देख यहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब जैसे ही रोबिन यहाँ पर प्लेन को लैंड करती है तो इसकी यहाँ पर काफी ज्यादा रफ लैंडिंग होती है। अब यहाँ पर रोबिन क्वीन को जगाती है और उसे बताती है कि हम लोग रिजॉर्ट तक वापस सुरक्षित पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर फ्रैंक तुरंत रोबिन के पास आता है। अब यहाँ पर रोबिन फ्रैंक से कहती है कि तुरंत क्वीन के लिए एक डॉक्टर को बुलाओ। अब इसके बाद फ्रैंक रोबिन के पास आता है और इसके बाद एंजेलिका और उसके बीच जो भी हुआ वो सब रोबिन को बता देता है और इस सब के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद रोबिन क्वीन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचती है और वो इससे यहाँ पर इसका हाल पूछती है और साथ ही वो यहाँ पर क्वीन से कहती है कि क्या हम अपना रिश्ता फ्यूचर में भी ऐसा ही रख सकते हैं क्या। लेकिन यहाँ पर क्वीन उससे कहता है कि तुम मुझसे भी अच्छे किसी इंसान की हकदार हो क्योंकि मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ। वो यहाँ पर रोबिन से कहता है कि हम दोनों की अलग अलग जिंदगियां हैं और इसलिए हम कभी एक ही नहीं हो सकते। अब इसके बाद रोबिन यहाँ से जाने के लिए उठने लगती है और साथ ही वो यहाँ पर एक दूसरे को गुड लक भी बोलते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक और रोबिन एक एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं और अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। अब यहाँ पर रोबिन फ्रैंक से कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे अभी शादी करनी चाहिए और यहाँ पर फ्रैंक भी रोबिन को बता देता है कि मैं एंजेलिका को पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर रोबिन उससे कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे कभी प्यार ही नहीं किया करते थे और इसके बाद रोबिन उसे उसकी सगाई की अंगूठी वापस कर देती है। अब दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर क्वीन भी पहुंच जाता है और वो यहाँ पर पहुंचकर रोबिन को ढूंढने के लिए दौड़ता है और वो यहाँ पर एक फ्लाइट को देखता है और उसे लगता है कि शायद रोबिन इसी फ्लाइट के अंदर है। अब यहाँ पर क्वीन अकेला खड़ा रह जाता है और वो यहाँ पर सोचने लगता है कि रोबिन ने उसे एक चांस दिया लेकिन उसने वो चांस भी खो दिया। लेकिन इसके बाद वो कुछ दूरी पर रोबिन को खड़ा देखता है जो कि फ्लाइट से वापस नीचे उतर रही थी। अब वो यहाँ पर क्वीन को भी देख लेती है कि वो उसी के ही पीछे खड़ा है और आखिर में ये दोनों अपने प्यार को एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर क्वीन रोबिन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।